एंड वेलकम टू ऑटो ग्रिड इंडिया। मेरा नाम है सचिन और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अशोक लीलैंड बड़ा दोस्त i2 के बारे में। जो बड़ा दोस्त सीरीज है उसके अंदर आपको i1, i2, i3, i3 प्लस, i4 और i4 लिमिटेड एडिशन देखने को मिलते हैं। बट आज हम बात करेंगे बड़ा दोस्त i2 के बारे में। ये नॉन एसी वेरियंट है i2 LS। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम इसकी कंप्लीट डिटेल्स कवर करने वाले हैं। इसका पेलोड, इसके स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइस, प्लस इसको चला के देखेंगे कि ये कैसा चलता है, सस्पेंशन वगैरह, टायर वगैरह, सारी ही चीज के बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि हम जैसे ही कोई भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। भाई फ्रंट है ना, देखने में काफ़ी शानदार लगता है। मेरी बात करें तो मेरे को तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगा, बहुत ही अपीलिंग है और ये व्हाइट कलर इसका काफ़ी शानदार लगता है। सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट में देख सकते हैं आप, फ्रंट में आपको अशोक लीलैंड की बैजिंग मिलती है यहाँ पे और ये 3D में है। और भाई इसका जो कलर है ना वो काफ़ी शानदार मिलता है यहाँ पे। अशोक लीलैंड का लोगो मिलता है, वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है देखने में। ये आपको फाइबर का मिलेगा और ये पूरा ही बाकी पार्ट है वो मेटल का मिलेगा। जो हेडलाइट्स हैं उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। रात में अगर आप जा रहे हैं तो जो लाइट का थ्रो है वो पूरा ही रोड आपको क्लियर विजिबल होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर भी यहाँ पे दिए हुए हैं, प्लस डोर पे भी इंडिकेटर है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बट जो इंडिकेटर का डिज़ाइन है यहाँ पे फ्रंट में दिया है वो भी काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। यहाँ पे आपको नीचे बम्पर मिलता है, वो बॉडी कलर नहीं मिलता है, बट इसकी जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी शानदार क्वालिटी मिलती है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं और यहाँ पे हाउसिंग दी हुई है। मान लीजिए अगर आप फॉग लैंप वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और जो व्हीकल की ग्राउंड क्लियरेंस है ना भाई वो भी काफ़ी शानदार है, तो कच्चे पक्के रास्तों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और भाई इसके अंदर फ्रंट में आपको जो सस्पेंशन मिलता है ना वो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है। और अशोक लीलैंड ने इसके अंदर आपको डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर भी प्रोवाइड किया है, तो जो केबिन के अंदर है ना धक्के वक्के भी नहीं लगते हैं और जो व्हीकल की स्टेबिलिटी है ना वो भी भाई बहुत ही शानदार बनी रहती है। अब इसके टायर्स पे आते हैं। भाई इसके अंदर आपको जो टायर मिलते हैं ना वो 195R15 के टायर मिलते हैं, मतलब 15 इंची के आपको टायर मिलता है। टायर का साइज़ काफ़ी बड़ा है और ये ट्यूबलेस टायर है। ट्यूबलेस टायर हैं तो भाई आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छी मिलती है, प्लस जो सेफ्टी है ना वो भी बनी रहती है इसके अंदर। और यहाँ पे अशोक लीलैंड ने व्हील कैप भी प्रोवाइड किया है, तो आप एज अ एसेसरी इसके अंदर व्हील कैप भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे i2 की बैजिंग मिलती है और ये LS वेरियंट है उसकी बैजिंग मिलती है, नॉन एसी वाला वेरियंट है। और यहाँ पे साइड टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। जो ORVMs है ना उनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है और बहुत इजीली आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और पीछे का कोई भी व्हीकल वगैरह आ रहा है तो बहुत ही ईजिली आप इनके अंदर देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे आप गेट से देख सकते हैं, गेट का ओपनिंग और क्लोजिंग है ना बहुत ही अच्छा दिया है, बहुत ही मॉडर्न है। मेरे को डिज़ाइन स्पेशली ये बहुत पसंद आया। बहुत ही इजीली यहाँ पे आप इसके डोर को ओपन कर सकते हैं और डोर काफ़ी यहाँ पे वाइड ओपन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड यहाँ पे डोर ओपन होता है। डोर के अंदर आपको यहाँ पे एक बोतल होल्डर मिलता है जो ड्राइवर अपनी बोतल वगैरह रख सकता है। प्लस यहाँ से ओपन और क्लोज करने के लिए काफ़ी अच्छा ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, ये लॉक अनलॉक करने के लिए, ये जो इसका जो ग्लास है उसको ऊपर नीचे करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फुट स्टेप दिया हुआ है और ये भी प्लास्टिक का मिलता है इसके अंदर आपको। अगर अशोक लीलैंड यहाँ पे मेटल का प्रोवाइड करती तो ये भाई बहुत ही अच्छा होता, बट प्लास्टिक का प्रोवाइड किया है वो भी कुछ सोच के ही क्या होगा। आई गेस जंग वगैरह ना लगे क्योंकि यहाँ पे चलते टाइम पानी वानी बहुत ज़्यादा लगता है, तो उसकी वजह से शायद से प्लास्टिक का प्रोवाइड किया है। अब कैबिन के अंदर चल के देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, तो इसको पकड़ के आप इजीली व्हीकल के अंदर चढ़ सकते हैं। भाई जो व्हीकल की हाइट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, तो छोटे ड्राइवर्स को डेफिनेटली चढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट ये यहाँ पे आप देख सकते हैं फुट स्टेप और एक ग्रैब हैंडल की वजह से वो भी इजीली यहाँ पे चढ़ सकते हैं। तो भाई जो सीट की क्वालिटी मिलती है ना इसके अंदर आपको काफ़ी शानदार सीट मिलती है। कंफर्टेबल सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे, तो ये 4-way एडजस्टेबल आपको सीट मिलती है। जो स्टीयरिंग व्हील मिलता है ना वो आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता है, आप इसको स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। प्लस जो हॉर्न है ना उसकी क्वालिटी भी काफ़ी शानदार है यहाँ पे और स्टीयरिंग व्हील ग्रैब करने में भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैबिंग वाला भी काफ़ी अच्छा है, स्टीयरिंग व्हील का साइज़ वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, तो ड्राइवर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती इसको ग्रैब करके लंबी जर्नीज में चलाने में। अब इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात कर लेते हैं। तो भाई जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको। यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पीड वगैरह बताता है और ये यहाँ पे RPM बताता है आपको, ये फ्यूल बताता है कितना फ्यूल है, ये छोटा सा MID दिया है जो टाइम प्लस ऑडोमीटर बताता है। यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग चीज़ देख सकते हैं, ट्रिप ए दे सकते हैं, यहाँ पे ट्रिप बी दे सकते हैं, प्लस यहाँ पे कितना व्हीकल चला है वो देख सकते हैं और यहाँ से आप इसको सेट वगैरह कर सकते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है यहाँ पे आपको।
यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम मिलता है ये अशोक लीलैंड ने लगा के दिया है, एज अ ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं चाहे तो नहीं ले सकते। और यहाँ पे आपको हैजर्ड लाइट मिलती है, यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक अगर इंगेज है तो ये रेड जल जाएगा और पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पे पार्किंग ब्रेक इंगेज है। भाई यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिलता है एक, और यहाँ पे आपको गियर नॉब लीवर है वो डैशबोर्ड पे माउंटेड है। तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए ड्राइवर कभी व्हीकल को ऐसी जगह पार्क कर देता है कि वो ये वाला डोर ओपन नहीं कर सकता, तो ईजिली यहाँ से निकल के और वो वाले डोर को ओपन करके जा सकता है। प्लस जो आपको स्टोरिंग एरियाज मिलते हैं वो भी काफ़ी शानदार मिलते हैं, यहाँ पे आपको स्टोरिंग एरिया मिलता है, यहाँ पे स्टोरिंग एरियाज मिलते हैं। प्लस जो ग्लव बॉक्स देख सकते हैं आप, ये मिलता है आपको, वो भी काफ़ी शानदार मिलता है आपको। और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक लीवर मिलता है, और ये गाड़ी 3 सीटिंग से पास है, मतलब एक ड्राइवर और 2 जने यहाँ पे बैठ सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। 3 सीटिंग से ये गाड़ी पास है। और यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह मिलते हैं, जो LED लाइट मिलती है, जो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है यहाँ पे। और जो ये रियर व्यू मिरर है उसका भी साइज़ काफ़ी अच्छा है। प्लस यहाँ पे भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं मिरर मिल जाता है, तो यहाँ पे एयर वगैरह अच्छे से पास होती है। और जो सीट बेल्ट है ना भाई, वो भी काफ़ी शानदार मिलती है इसके अंदर आपको, जो सीट बेल्ट की क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी अच्छी मिलती है, तो सीट बेल्ट वगैरह लगा सकते हैं आप यहाँ पे। तो ओवरऑल कैबिन की बात की जाए ना, तो भाई कैबिन इसका काफ़ी अच्छा मिलता है, बहुत ही प्रैक्टिकल कैबिन है, स्पेस काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे लेग रूम देख सकते हैं और हेड रूम देख सकते हैं आप, दोनों ही काफ़ी अच्छा मिलता है। स्टेयरिंग व्हील आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता है, अगर स्टेयरिंग व्हील भी एडजस्टेबल मिलता तो और बेटर होता, बट फिर भी ठीक है। स्टेयरिंग का जो एंगल वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है, विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है व्हीकल की, जो ये पिलर्स हैं उनसे कोई भी जो एंगल है वो ब्लॉक नहीं होता है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मेरे को यहाँ पे। बाकी इसको चला के देखेंगे तो तब देखेंगे कि जो ओवरऑल क्वालिटी है वो कैसी निकल के आती है। अब इसके पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आपको। अब भाई इसके लोड बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना एक कमर्शियल व्हीकल के अंदर वो होता है लोड बॉडी। तो ये FSD वाला वेरियंट है, फिक्स साइड डेक वाला वेरियंट, और ये 1425 किलो पास करता है। और इसके अंदर आपको जो ग्रॉस व्हीकल वेट मिलता है ना वो 2880 किलो इसके अंदर आपको ग्रॉस व्हीकल वेट मिलता है। जो ये लोड बॉडी है उसका डायमेंशन है भाई 9 फीट, तो ये ऐसे लेंथ है इसकी, ठीक है। और जो विड्थ है वो 5.7 फीट है, और जो हाइट है ना वो 1.4 फीट है। तो जो लोड बॉडी का डायमेंशन है ना इसके अंदर आपको वो काफ़ी शानदार मिलता है लोड बॉडी का डायमेंशन, तो आप इजीली बहुत अच्छा लोड इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। साइज़ वाइज कोई इशू नहीं आएगा आपको। पीछे आ जाते हैं तो आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 1, 2, 3, टोटल 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। प्लस यहाँ पे जो टेल लाइट्स हैं उनकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो स्पेयर व्हील है वो बिल्कुल अच्छी जगह माउंटेड है, तो ड्राइवर इजीली इसको निकाल सकता है और अपना जो टायर है वो चेंज कर सकता है। रियर में भी आपको पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है, और रियर में भी अशोक लीलैंड ने इसके अंदर डबल एक्टिंग शॉक एब्जॉर्बर प्रोवाइड करवाए हैं। प्लस पीछे 2 मेन स्प्रिंग और 1 हेल्पिंग स्प्रिंग मिलती है इसके अंदर आपको। चीज़ की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो वज़न वगैरह आप लेके जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आप इसका डाला खोलते हैं ना, तो ये डाला यहाँ पे आके रेस्ट कर जाता है, तो भाई जो डाला है वो लाइट वगैरह पे नहीं लगता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे अशोक लीलैंड ने प्रोवाइड किया है। और इस साइड आते हैं तो इस साइड देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलती है इसके अंदर आपको। भाई यहाँ पे आपको 40 लीटर का डीजल टैंक मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको बार बार रिफिलिंग नहीं करनी पड़ेगी। और इसके अंदर आपको जो ट्रांसमिशन मिलता है ना वो 5-speed ट्रांसमिशन मिलता है, जिससे क्या होता है कि जो इसकी एवरेज है ना वो काफ़ी अच्छी निकल के आती है। अब एक बार इसको चला के देख लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आपको इंजन कैसा मिलता है, कितनी इसकी ग्रिडेबिलिटी है और ये चलने में कैसा है। तो अब इसको चला के देख लेते हैं कि भाई ये चलने में कैसा है, इसकी पावर कैसी है, इसकी जो 28% की ग्रिडेबिलिटी है वो कैसी है। तो भाई इसके अंदर आपको जो इंजन मिलता है ना वो 1500cc का 3-सिलेंडर इंजन मिलता है, और 3-सिलेंडर के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से इसके अंदर वाइब्रेशन है ना वो बिल्कुल ही ना के बराबर है, बहुत ही रिफाइंड इंजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गियर नॉब लीवर पे प्लस स्टीयरिंग व्हील पे वाइब्रेशन बिल्कुल ना के बराबर वाइब्रेशन मिलते हैं। और आप इसको चला के देख लेते हैं कि ये चलने में भाई कैसा है। तो भाई इसके अंदर आपको जो 1500cc का इंजन मिलता है ना वो 70 हॉर्स पावर और 190 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। बकायदा इंजन 3-सिलेंडर है, लेकिन जो इसकी पावर और परफॉर्मेंस है ना वो काफ़ी अच्छी है। अभी तो गाड़ी खाली है, लेकिन गाड़ी खाली गाड़ी के अंदर भी आप देख सकते हैं भाई कितना ही भगता है ये तगड़ा। जो इसके अंदर आपको गियर शिफ्ट मिलते हैं ना वो भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, बहुत ही स्मूथ गियर शिफ्ट मिलते हैं, और जो गियर थ्रो है ना वो भी कम है, तो ईजिली यहाँ पे गियर लग जाते हैं। जो भाई क्लच मिलती है ना वो भी इसके अंदर आपको ठीक मिलती है, जो पैडल्स है ना उनकी क्वालिटी भी ठीक मिलती है, बट थोड़े से अगर पैडल्स बड़े होते ना तो और बेटर होता। और ओवरऑल जो ड्राइविंग डायनामिक्स है ना वो भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। जो स्टीयरिंग व्हील है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है,
और जो फीडबैक है स्टीयरिंग व्हील का वो भी काफी अच्छा है। जैसे आप घुमाएंगे ना वैसे ही व्हीकल घूमेगा, आपको पता रहेगा कि भाई आप कौन सी साइड इसका स्टीयरिंग घुमा रहे हैं। और स्टीयरिंग हैवी भी नहीं है इसका, काफ़ी लाइट स्टीयरिंग है, सिटी वगैरह में चलाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अंदर आपको जो टर्निंग सर्किल डायमीटर मिलता है ना भाई, वो भी अप्रॉक्स आप मान के चलिए 11.3 मीटर का समथिंग आपको इसका टर्निंग सर्किल डायमीटर मिलता है। तो छोटी मोटी गलियों में आपको ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं तो सस्पेंशन भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा मिलता है, फ्रंट और रियर में आपको पैराबोलिक सस्पेंशन मिलता है। गड्ढे वगैरह हैं वो केबिन के अंदर आपको इतने फील नहीं होते हैं इसमें। और भाई जो हॉर्न मिलता है ना उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल में हॉर्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हॉर्न है ना उसकी भी क्वालिटी इसके अंदर आपको काफ़ी शानदार मिलती है। और इसके अंदर आप अगर 1425 किलो अगर वज़न लेके चलते हैं तो भाई इजीली ये चढ़ाइयों पे चढ़ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, स्टीप स्लोप पे दिक्कत नहीं आने वाली है और वैसे भी कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो भाई फ्रंट में इसके अंदर आपको डिस्क और रियर में ना ड्रम ब्रेक मिलता है। अब इसकी ब्रेकिंग चेक कर लेते हैं। भाई नो डाउट जो व्हीकल की ब्रेकिंग है ना वो भी काफ़ी शानदार मिलती है आपको। तो दोस्तों ये था अशोक लीलैंड बड़ा दोस्त ITU का एक डिटेल वीडियो। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो इसकी प्राइस है वो स्टार्ट होती है अराउंड 8,72,000 रुपये से, ये एक्चुअल प्राइस बता रहा हूँ मैं। इसके अंदर RTO रोड टैक्स और इंश्योरेंस इंक्लूडेड नहीं है। एक बार आप नियर बाय डीलरशिप पे कंफर्म कर सकते हैं इसकी एग्जैक्ट प्राइस और इसके वेरिएंट्स। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।